क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेगनेंसी रुकती तो है लेकिन बहुत शुरुआत में ही खराब हो जाती है, या जिनको बार बार मिसकैरेज होते हैं क्यों हो रहे हैं? इसके कुछ अंडरलाइंग रीजंस हैं जिसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम जानने वाले हैं कि रिपीटेड मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, क्या ऐसे रीजन है जो हमारे कंट्रोल में है जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो उन रीजंस को जानेंगे और उनको ठीक करके अपनी प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक ले जाने का कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप डिटेल डाइट एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो किन कारणों से प्रेगनेंसी शुरुआती दौर में ही, एक तो हफ्ते में या 10 से कम हफ्तों में ही खत्म हो जाती है और आपको निराशा हाथ लगती है, तो इसके लिए जिम्मेदार है कुछ कारण। आयरन, फॉलिक एसिड एंड B12 की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो ऐसे में अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, सप्लीमेंट के साथ करो ताकि डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेकर तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने सप्लीमेंट लिया होगा। अगर आप खुद से नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तब भी आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और सप्लीमेंट के साथ में शुरुआत करनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में किसी तरह का रिस्क ना हो। दूसरा रीज़न है एम्प्टी स्टमक। जब आप बहुत देर तक एम्प्टी स्टमक रहते हो, जैसे कि फास्टिंग करते हो, तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्टी स्टमक रहने से एड्रेनलिन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है और एड्रेनलिन के हाई लेवल की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, आप फास्टिंग या एम्प्टी स्टमक गलती से भी ना रहें, या फिर जब आपके इम्प्लांटेशन डेज चल रहे हों, अर्ली प्रेगनेंसी, आपको पता हो कि डेट मिस हुई है, मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में कितना भी इम्पॉर्टेंट फास्ट हो, कोई रिलीजियस इवेंट हो, आपको भूखे पेट नहीं रहना है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप अल्टरनेटिव चीज़ें खा सकते हैं, सामा की खिचड़ी खा सकते हैं, साबुदाना ले सकते हैं, लेकिन आपको फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग करने से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का खतरा फीमेल्स को ज़्यादा रहता है, एंड ऐसे बहुत सारी फीमेल्स ने प्रेगनेंसी लॉसेस किए हैं। तीसरा प्रमुख कारण है तनाव। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो प्रेगनेंसी को नरिश करने वाला जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कन्वर्ट होने लग जाता है कॉर्टिसोल में। अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में टेंशन लेते हो, स्ट्रेस हो रहा है, या दुखी हो, परेशान हो, तो आपको इन कंडीशन से बचना होगा। बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और बिना चाहे भी ऐसी कंडीशन में आप पड़ जाते हो, ऐसी कंडीशन से आपको बचना ही होगा, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को अल्टर करता है और प्रेगनेंसी को अनसेफ कर देता है, प्रेगनेंसी लॉस का खतरा होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बहुत फीमेल्स को। तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर ना गिरे इसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है। अगर आप तनाव लेंगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरेगा और प्रेगनेंसी लॉस का खतरा होगा। तो शुरू के 3 महीने आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रेगनेंसी लॉस का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है फीमेल्स में छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाना या किसी ऐसी कंडीशन में पड़ जाना, तो स्ट्रेस से हमें बचना है। ये कुछ खास कारण थे। इसके अलावा हैवी वर्क, अगर आप हैबिचुअल हो कि हाँ रोज़ 3 मंजिल ऊपर चढ़ते हो उतरते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उस कंडीशन को अडॉप्ट कर चुकी है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी है और आपने कुछ नई एक्सरसाइज शुरू कर दी, कुछ नया काम ऐसा शुरू कर दिया जिससे कि आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, फिजिकली आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, सेंसिटिव केस है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।